हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और आज हम करेंगे फोर्थ क्लास का मैथ, चैप्टर फोर है सब्ट्रैक्शन। इसकी एक्सरसाइज 4.2 करेंगे और ये स्टार्टअप मैथमेटिक्स की बुक है। क्वेश्चन वन में है सब्ट्रैक्ट द नंबर्स। अब ये जो नंबर्स गिवन है इनको हमें सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करना है। चलिए करते स्टार्ट। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2। अब देखो ये 1 है, 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ये कम है ये ज्यादा है। तो क्या करेंगे, हम इधर से एक बोरो लेंगे। देखो ये मैं डाउट क्लियर कर देना चाहती हूँ, कुछ बच्चे कैरी और बोरो एक ही बात होती है। बोरो का मीन्स होता है यहां से उधार लेना, कैरी का मतलब होता है यहां से इधर लेके आना, ठीक है। कल एक मेरे को किसी एक बच्चे ने बोला कि मैम बोलती है कि ये बोरो होता है कैरी नहीं होता। कैरी एंड बोरो एक ही बात है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास ये 1 है, हमें एक ज्यादा चाहिए तो कहाँ से बोरो करेंगे, उधार लेंगे, इससे लेंगे, मतलब कैरी लेंगे या बोरो लेंगे, इट मीन्स दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हमने एक बोरो लिया तो ये 1 था, यहाँ कितना हो गया 11। अब 11 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 आ गया, राइट। अब यहाँ पे इधर से इधर 1 चला गया तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 2। अब देखो ये फिर से 2 है एंड ये 6 है, ये कम है ये ज्यादा है। कम में से ज्यादा को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो वी कैन, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक कैरी लेंगे या बोरो लेंगे, ठीक है। 12 हो गए, 12 में से 6 काटेंगे फिर से तो 6 बच गए। अब यहाँ 1 रह गया, अब ये 1 नीचे 0 है तो 1 का 1 रह जाएगा और ये 4 में से 1 गया, ये हो गया 3, राइट। अब करेंगे इसी का बी पार्ट। ये कॉलम में एज इट इज वैसे ये बुक में गिवन है, इसको आप ऐसे ही डाल के 1100 और ये नीचे खुला लिखना, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बच्चे क्लोज लिखते हैं ना फिर ये अच्छे से समझ में नहीं आते और करने में भी प्रॉब्लम होती है, राइट। अब चल करते हैं। देखो ये 2 है ये 4 है, 2 कम है 4 ज्यादा, तो क्या करेंगे, इधर से एक और इधर रह गए, इधर देखो 0 क्यों रही, काफी बच्चे इसको गलत करते हैं। यहाँ से 0 के पास से तो क्या लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, तो पहले हमने यहाँ से लिया है, यहाँ 10 हो गए और फिर इस 10 में से यहाँ आया तो यहाँ 10 है, फिर यहाँ क्या रह गया, 9 रह गया, ठीक है, और यहाँ रह जाएगा 6। तो 12 में से 4 काटेंगे 8 और ये क्या बच गया 9, 9 में से 5 काटेंगे 4 और ये क्या बच गया 6, 6 में से 8 फिर नहीं कट सकता तो फिर यहाँ से हम 1 बोरो करेंगे, लेकिन यहाँ तो 0 है, फिर क्या करेंगे, फिर इधर एक बोरो करा, यहाँ क्या हो गया 10 और 10 में से फिर इधर एक आ गया तो यहाँ रह जाएगा 9, ठीक है। 16 में से 8 काटेंगे 8 और 9 में से फिर 3 काटेंगे 6 और फिर ये 4, 4 में से 1 काटेंगे 3, ओके। अब करेंगे सी पार्ट। सी में फिर से देखो ये 3 है ये 5 है, 3 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, सो हम यहाँ से 1 बोरो करेंगे, यहाँ से 1 बोरो करें, यहाँ पे हो गया 13। ये बोरो कहाँ से किया हमने, यहाँ भी 0 है तो कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ पे 6 रह गया, यहाँ 10 हो गया, इस 10 में से फिर यहाँ आया, यहाँ 9 रह गया और इस 10 में से यहाँ आने के बाद यहाँ भी 9 रह गया, ठीक है। तो ये 9 में से 6 गया, ये तो देखो 13 में से 5 काटेंगे पहले 8, फिर 9 में से 6 काटेंगे 3, फिर 9 में से 4 काटेंगे 5, फिर ये क्या है 6, 6 में से 9 फिर से नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता तो क्या करेंगे, अब यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ से 1 बोरो करें, यहाँ रह गया 7 और यहाँ हो गया 16। अब 16 में से 9 काटेंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कितना बच जाएगा 7, ठीक है। और ये था 7, 7 में से 9 फिर नहीं कट सकता तो क्या करेंगे, यहाँ से फिर से बोरो या बोरो करेंगे, हम बोरो किया तो यहाँ कितना हो गया 17। अब 17 में से 9 काटेंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कितना हो गया 8, कितना बच गया 5, कितना बच गया, यहाँ बच गया 5, 5 में से 2 काटेंगे यहाँ रह गया 3 हो गया। अब ये इसको कॉमन पुट कर देंगे, अब करेंगे डी पार्ट। ये 0 है, 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो यहाँ से हम करेंगे बोरो, ये हो गया 10, यहाँ रह गए 0, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6। अब 0 में से 8 फिर नहीं हो सकता तो यहाँ से कैरी करेंगे, ये हो गया 10, यहाँ रह गया 5, 10 में से 8 काटेंगे 2,
अब ये 5 में से 7 नहीं माइनस हो सकता क्योंकि 5 कम है 7 ज्यादा, तो क्या करेंगे यहाँ से बोरो करेंगे, लेकिन यहाँ तो 0 है, यहाँ भी 0 तो बोरो कहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ रह गया 6, यहाँ हो गया 10, 10 में से फिर इधर आ गया, यहाँ रह गया 9, फिर यहाँ हो गया 10, 10 में से फिर यहाँ आ गया, यहाँ रह गया 9, तो ये हो गया 15, 15 में से 7 काटेंगे 8, ये रह गया 9, 9 में से 1 करेंगे 8, और ये रह गया 9, 9 में से 9 गए 0, और ये 6, 6 में से 3 काटेंगे 3, तो ये आ गया। ठीक है, अब करेंगे इसका डी पार्ट। इसमें बस 4 पार्ट थे, 1 ए बी सी डी, हमने 4 पार्ट कर लिए, राइट। अब करेंगे क्वेश्चन 2। 2 में भी फाइंड द डिफरेंसेस, हमें इसकी डिफरेंस निकालना, मीन्स क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इसको, डिफरेंस तभी निकलेगा। जो रिजल्ट हमें मिलता है उसको ही, जो डिफरेंस किसको बोलते हैं, जो रिजल्ट मिलता है उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद। अब ये 1 है, ये 2 है, तो 1 में से तो 2 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 11 हो गया, 11 में से 2 माइनस किया 9 आ गया, ये रह गया 6, 6 में से फिर से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो फिर से हम यहाँ से बोरो लेंगे, यहाँ 16 हो गया, यहाँ 7 रह गया, 16 में से 9 काटेंगे 10, 11, 12, 2 काटेंगे तो हो जाएगा 7, और ये फिर 7 बच गया, 7 में से 6 गया 1, और ये फिर इधर से बोरो लिया क्योंकि 0 है 10, 10 में से 3 काटेंगे 7, और फिर ये क्या आएगा, इधर बच गया 4, 4 में से 2 काटेंगे 2, तो ये आ गया 27,179। अब करेंगे इसका बी। देखो इसमें ना मैंने बताया नहीं, ऐसे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, इसमें हमें वैसे तो ये इसमें ज्यादा सब में ही पहले ये बड़ी डिजिट ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में तो आगे ही बड़ी है, कई बार ऐसे आगे पीछे भी दे देते हैं, तो जो बड़ा नंबर होता है उसको हमें ऊपर लिखना होता है, छोटे को नीचे लिखना होता है, क्योंकि बड़े में से ही छोटे को सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। अगर आपने ये ऊपर लिख लिया, ये नीचे लिख लिया, तो फिर सम नहीं निकलेगा। ठीक है, ध्यान से करना है। अब देखो इसमें भी ये 64,000 है, ये 35,000, तो इसको ही ऊपर लिखा हमने। ठीक है, अब ये है 2, 2 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ से करेंगे बोरो, इधर रह गया 0, 12 में से 4 गया 8, इधर है 0, 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो हम यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ तो 0 है, फिर यहाँ से करेंगे, यहाँ रह गया 3, यहाँ हो गया 10, 10 में से फिर इधर 1 लेके आएंगे, यहाँ 10 हो गया और यहाँ 9 रह गया, 10 में से 9 गया 1, और 9 में से 7 गया 2, और 3 में से 5 नहीं कट सकता, तो फिर से बोरो करेंगे, यहाँ पे हो गया 13, और यहाँ रह गया 5, 13 में से 5 काटेंगे तो रह गया 8, और ये 5 में से 3 करेंगे तो ये रह गया 2। ठीक है, अब ये हो गया बी पार्ट। अब करेंगे इसका सी पार्ट। सी में देखो फिर से हमने, अब ये बड़ा है 3,45,726, इसमें सारे ही पहले ही बड़े दे रखे। ठीक है, इसको उतार लिया, अब 6 में से 3 काटेंगे 3, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 7 में से 4 3 माइनस करेंगे 4, 5 का 5, अब ये 4 है, ये 8 है, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हम यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ 2 रह गया, और ये हो गया 14, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा ये 6, और यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। ठीक है, क्वेश्चन है ना 2, इसके 6 पार्ट हैं, ए से लेके एफ तक, मैंने इसके ए बी एंड सी 3 पार्ट्स करवा दिए हैं, 3 पार्ट्स आपका होमवर्क है, ये इजी सम से, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है, ये तो आप इसको खुद ट्राई करना। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में है, देखो ये एक सॉल्व द फॉलोइंग इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट दे रखा है ये, इसका क्या मतलब है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है पहले में 10, क्या ये इनपुट है, इसमें से हमें 10 सब्ट्रैक्ट करना, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, इट मीन्स जो डिफरेंस, जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसको आउटपुट बोला गया। ठीक है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, ये जो नंबर है 24,976, इसमें से हम 10 माइनस करेंगे, 10 माइनस करने पे जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसको बोला है आउटपुट, तो उसको देखो यहाँ लिख रखा है, इसमें से 10 माइनस किया गया ये है, बाकी तो देखो एज इट इज आएगा, ये नंबर है, इसमें से हम 10 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा, यही यहाँ पे इन्होंने एक मतलब फॉर एग्जाम्पल लिख के दिखा रखा है, अब हमें नेक्स्ट करना है। अब देखो ये नंबर तो एज इट इज ही रहेगा, बाकी तो
ये 17 है, इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 एज इट इज और 0 और 4 और 8 और 1 तो क्या आएगा, ये आएगा 18,407। ठीक है, नेक्स्ट 38,500, इसमें से 10 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 27 है, 10 माइनस करेंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से 13 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3, तो कैसे लिखेंगे उसको, 3 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। अब करेंगे नेक्स्ट, ये देखो 29 है, इसमें से 10 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 19। ठीक है, 19 हो जाएगा। इसका पार्ट बी, बी में हमें करना है 1000 सब्ट्रैक्ट, पहले में किया था ये पार्ट में 10 सब्ट्रैक्ट, अब इसमें करना है 1000 को सब्ट्रैक्ट। अब ये नंबर है देखो, अगर इसमें से वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 का 3, 4 का 4, 2 का 2 और 9 में से 1 गया 8, तो ये आ गया। ठीक है, अब ऐसे इसमें से करेंगे तो 4 की जगह क्या हो जाएगा, 5 की जगह क्या हो जाएगा, 4, बाकी एज इट इज। ठीक है, अब करेंगे इसको, देखो करके देख लो, कोई गलती ना करना आप। और देखो 1000 माइनस करेंगे, 3 का 3, 6 का 6, 2 का 2, 1 में से 1 गया 0 और 8 का 8, और ये हो गया 3, तो क्या मिल गया हमें, 3। ये हमें गिवन है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक बच गया लास्ट, ये देखो ये नंबर है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना 1000, 3 का 3, 5 का 5, से यहाँ से कैरी लेंगे 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ रह गया 8, तो क्या हो गया, 289753। ठीक है, ये आ गया। अब है क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें, बताना विच ऑफ टू इज करेक्ट, विच ऑफ द टू इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, ये या ये। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, बट देखो इसमें आप पता देखेंगे, 15 में से 6 गया 9, ठीक है। अब ये यहाँ 10 दिखा रखा, 10 में से 7 गया 3, ये यहीं पे गलत होगा, क्यों, क्योंकि ये 0 थी, हमने इसमें से कैरी तो लेंगे नहीं, 0 के पास तो कुछ भी नहीं है, तो बोरो 0 में से कैसे करेंगे हम, 0 ही पहले इसके पास तो 0 है, तो ये यहाँ से आया था, यहाँ 10 हो गए, फिर इस 10 में से यहाँ आ गया, यहाँ 10 हो गए, फिर इस 10 में से यहाँ आ गया, यहाँ 9 रह गए, तो 9 में से 7 काटते तो यहाँ 2 आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ भी 9 रह जाएंगे, 9 में से 8 काटेंगे यहाँ 1 आएगा और यहाँ रह जाएगा 2, 12 में से 8 12 में से 4 काटेंगे 8, ये तो सही दे रखा है, बाकी ये यहीं पे रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो इसको देखते हैं, 15 में से 6 गया 9, अब देखो ये सही, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 8 गया 1, 12 में से 4 गया 8 एंड 5 में से 2 गया 1, तो बी इज करेक्ट, बस इसका यही आंसर है, इस तरह के आते नहीं है एग्जाम में। ठीक है, ये 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, नेक्स्ट एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।